गया नगर दुर्ग में 22 अप्रैल से आयोजित शिव पुराण कथा का समापन रविवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ। शिव महापुराण के कथावाचक पंडित पूरन प्रसाद शर्मा के सानिध्य में समापन संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। कथावाचक पंडित पूरन प्रसाद शर्मा ने श्रद्धालुओं से कहा कि धार्मिक आयोजनों में भावनाएं होनी जरूरी है। सगुण साकार सूर्य चंद्रमा जल पृथ्वी वायु ये एक शिव पुराण का स्वरूप है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने चारों ओर सदैव वातावरण शुद्ध रखें, जहां स्वच्छता और शांति होती है वहां देवताओं का वास होता है। शिव शक्ति महिला मंडल के तत्वावधान में दुर्ग स्थित गया नगर में संगीतमय शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का 7 दिवसीय भक्तिमय आयोजन किया गया। कथा में पंडित पूरन प्रसाद शर्मा ने अपने शिवमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को प्रतिदिन श्रवण कराया। गौरतलब है कि संगीतमय शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का उद्देश्य जन कल्याण करना था। आयोजकों के द्वारा भव्यता से पूरे 7 दिवस कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण करवाया गया। इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह के समापन अवसर पर समाज सेवी व कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बर्मेजा अपनी धर्मपत्नी मंजू बर्मेजा के साथ विशेष रूप से पहुंचे। समापन अवसर पर उन्होंने हवन में पूर्णाहुति दी। इस दौरान श्रद्धालु मंत्र मुग्ध होकर झूमते नजर आए। इदं वा स्वाहा ॐ विश्वदेवाभ्यो नमः स्वाहा इदं बोल्य हर हर महादेव। हमारा शिव पुराण का कथा का गायन किया गया और ऐसे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये सब कला संस्कृतियाँ धर्म निष्ठा का प्रोग्राम होते रहना चाहिए और इसके लिए जितना भी सहयोग बनेगा हम उससे और सभी व्यापारी बंधुओं को करते रहना चाहिए। धन्यवाद। पावन धरती में समस्त माता बहनों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से शिव महापुराण की अविरल धारा दूसरी बार इस पावन स्थल पर कथा करने को जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा से हम सब जीवों को कल्याण करने का मौका मिला है प्यारे सज्जनों, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा करवाने से ये लोग भी तर जाता है भैया और परलोक भी तर जाता है, है ना। ये लोग भी में हमारा नाम चलेगा और परलोक में भी नाम चलेगा। आदमी के साथ कोई चार नहीं जाता मरने के बाद, न धन जाता है, न दौलत जाता है, न रुपया जाता है, न पैसा जाता है। इस भक्तिमय संगीत से ओतप्रोत कार्यक्रम में प्रतिदिन श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।